दोस्तों आज मैं आपसे पहाड़ों में मौजूद नॉर्थन इंडिया की एक बेहद ही खास स्टेट उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा, जिसको बहुत सारे लोग आज के दिन भी उत्तरांचल के नाम से जानते हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी है देहरादून। ये बेहद ही खूबसूरत स्टेट 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 1 करोड़ और 80 लाख के आसपास। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसी कमाल और गजब की बातें बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। उत्तराखंड पूरे इंडिया का एक ऐसा कमाल का राज्य है जो हिमालय के काफी आसपास होने के चलते बहुत ही खूबसूरत राज्य माना जाता है और यहाँ का वातावरण रहने और घूमने के लिए बेहद ही फेमस है, जिसके चलते हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर घूमने का मजा लेते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश यानी यूपी का खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन 2000 के साल में इसे यूपी से अलग किया गया और इसे अलग राज्य बनाते हुए उत्तरांचल बनाया गया, जिसके बाद उस समय उत्तरांचल इंडिया का 27वां राज्य बना और उत्तरांचल की राजधानी बनी थी देहरादून। लेकिन दोस्तों 7 साल के बाद ही 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दिया गया। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पर हिंदी और गढ़वाली भी काफी ज्यादा बोली जाती है। उत्तराखंड को हिंदू लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धार्मिक जगह माना जाता है और यहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसी बहुत सारी पवित्र जगहें मौजूद हैं। और हरिद्वार में तो हर रोज शाम के समय गंगा किनारे आरती भी की जाती है, जिसके लिए लाखों लोग बहुत ज्यादा दूर से भी यहाँ आते हैं। दोस्तों उत्तराखंड इंडिया का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कमल का फूल सबसे ज्यादा उगता है। योगा के क्षेत्र में भी ये इंडिया की नंबर 1 स्टेट है और यहाँ के सबसे ज्यादा लोग इंडिया की किसी भी स्टेट के मुकाबले योगा करते हैं। उत्तराखंड में गंगा के ऊपर तैरता हुआ एक बेहद ही कमाल का ब्रिज है जिसका नाम है लक्ष्मण झूला। यहाँ के लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि लक्ष्मण यहाँ पर झूले के द्वारा ही गंगा को पार कर पाए थे। दोस्तों उत्तराखंड की नैनीताल जगह को बेहद ही ज्यादा खूबसूरत जगह माना जाता है और यहाँ की नैनीताल लेक भी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और टूरिस्टों को तो यार ये लेक बेहद ही पसंद आती है। उत्तराखंड का तेहरी डैम पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा ऊंचा डैम माना जाता है, जो 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर बना हुआ है और आप समझ ही सकते हो कि यार इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा है। पूरे इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर बना हुआ है जो नैनीताल में मौजूद है और इसे तो इंडिया का टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। कांचनजंगा के बाद पूरे इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर मौजूद है जिसका नाम नंदा देवी है। दोस्तों उत्तराखंड को क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत ऊंची ऊंची जगहें देखने को मिलेगी और बादल तो यहाँ से यार ऐसे नजर आएंगे जैसे आप उन्हें हाथों में ही पकड़ने वाले हो। तो दोस्तों आप कितनी बार उत्तराखंड जा चुके हैं या फिर कब जाने वाले हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग और कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।